सब्जी है ये? ना, मेरे को तो भरता लग रहा है। अरे नहीं यार, ये सब्जी होगी। ना ना, मुझे तो ये भरता ही लग रहा है। अरे छोड़ो यार, जो भी है, सब्जी है, भरता है, जो भी है, बट टेस्ट बड़ा अल्टीमेट सा है यार। अगर आप इसको भरता समझ रहे हो ना, तो इसका बनाने का प्रोसेस इतना डिफरेंट है, और अगर आप इसको सब्जी समझ रहे हो तो इसने बेचारे ने बहुत जुल्म सहे हैं, तो आप वीडियो जरूर देखो। यहाँ पर हम ले लेंगे 4 टेबलस्पून सरसों का तेल और कुछ खड़े गरम मसाले, 1 इलायची, 2 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही हम ले लेंगे 4 से 5 लहसुन की कली को छील के बारीक बारीक काट लेना है। इसे हम कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक इससे कच्चा वाला फ्लेवर नहीं चला जाता। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। इनको भी आप मीडियम फ्लेम पर कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक पकाइए। प्याज सॉफ्ट करना है, कलर नहीं आना चाहिए। 1/2 इंच क्रश किया हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च को काट के हम ऐड कर देंगे। बस इनको एक बार मिलाना है, आपको पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं कुछ सूखे मसाले, जैसे कि 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच ही जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। इन सबको हम ऐड कर देंगे और फ्लेम को लो रखते हुए इनको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हम भून लेंगे। क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए आप फ्लेम तेज बिल्कुल मत करना। साथ ही हम यहाँ पर 1/2 चम्मच डाल देंगे मैजिक मसाला, ये बिल्कुल ही इस रेसिपी में मैजिक करने वाला है। इनको भी अच्छे से हम मिला देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके रखा है, वो भी हम ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। इनको मिला लेते हैं हम। अब इनको हम कवर कर देते हैं और कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट बाद आप देखोगे कि टमाटर से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें बैगन ऐड करने की। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का एक प्लांट लिया है बैगन, भट्टा बैगन जिसको कहते हैं, पर्पल वाला। इसका छिलका मैंने उतार दिया था और इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट के पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बैगन को। बैगन को याद रखना, हमेशा काट के पानी में ही डालना, नहीं तो बैगन का रंग काला पड़ जाता है। अब बैगन को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को कर देते हैं लो। ढक्कन डाल के इसको कम से कम आपको 15 मिनट तक पकाना है, या जब तक बैगन गल नहीं जाते। मैंने 10 मिनट पर चेक किया तो बैगन अभी नहीं गले, तो मैं अगले 5 मिनट के लिए और ढककर इसे पका लूंगी लो फ्लेम पर। पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं चेक कर लेती हूँ बैगन, तो बैगन बिल्कुल ही गल चुका है। अब हम बारी आती है इस बैगन के साथ जुल्म करने की। तो इसको हम अच्छे से करछी से मैश करेंगे। आपके पास अगर मैशर हो तो आप उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर हरी इलायची, लौंग, दालचीनी जो मैंने डाला था वो मैंने निकाल दिया, और कुछ टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, मुझे इसमें अच्छा सा कलर चाहिए था। यहाँ पर 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर है, वो भी हम ऐड कर देंगे। अब इनको आप मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट तक के लिए भून लो, लगातार चलाते हुए। थोड़ी सी फ्रेश वाली धनिया की पत्ती छिड़क देना और थोड़ी बचा लेना गार्निशिंग के लिए। इनको भी एक बार अच्छे से मिला लो और लास्टली इनको 2 मिनट तक और आप लो फ्लेम पर पकने छोड़ देना, जिससे कि हमने जो बाद में मसाले मिलाए वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो लो, आपका सब्जी वाला भरता बिल्कुल रेडी है। इसकी रेसिपी थोड़ी अटपटी ज़रूर है, बट इसका रिजल्ट काफ़ी चटपटा है, तो ट्राई ज़रूर करना। मेरा ओपिनियन है आप रोटी या बेसन की चीला के साथ खाना। तो चलो देख लेते हैं बिहाइंड द सीन। इंटरेस्टिंग रेसिपी फ्रेंड्स, मैंने तो इसका नाम रखा है सब्जी वाला भरता, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो। साथ ही अगर आपको बिहार का लिट्टी वाला चोखा चाहिए तो आई बटन पर मैंने ऊपर लिंक डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।